जम्मू कश्मीर और लद्दाख को केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा मिलने के बाद पहली बार कारगिल में मोबाइल इंटरनेट सेवा बहाल की गई है। 145 दिन पहले जम्मू कश्मीर और लद्दाख में इंटरनेट बंद किया गया था। कारगिल के अलावा केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख के अन्य जिलों और कश्मीर घाटी में अभी भी इंटरनेट सेवा बहाल नहीं की गई है। अनुच्छेद 370 हटाने के बाद जम्मू कश्मीर को दो केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर और लद्दाख में विभाजित करने के 4 महीने बाद मोबाइल इंटरनेट कनेक्शन की बहाली हुई है। बता दें, भारत सरकार के 5 अगस्त को जम्मू कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा देने वाले अनुच्छेद 370 को हटाने और उसे केंद्र शासित प्रदेश घोषित करने के बाद से ही वहां कई प्रतिबंध लगे हुए हैं। वहीं इसी महीने भारतीय अमेरिकी सांसद प्रमिला जयपाल ने अमेरिकी संसद में जम्मू कश्मीर पर एक प्रस्ताव पेश करते हुए भारत से वहां लगाए गए संचार प्रतिबंधों को जल्द से जल्द हटाने और सभी निवासियों की धार्मिक स्वतंत्रता संरक्षित रखे जाने की अपील की थी। भारतीय अमेरिकी सांसद प्रमिला जयपाल द्वारा कई सप्ताह के प्रयासों के बाद प्रतिनिधि सभा में पेश किए गए इस प्रस्ताव को कंसास के रिपब्लिकन सांसद स्वीट वॉटकिस के रूप में केवल 1 सदस्य का समर्थन प्राप्त हुआ था। प्रस्ताव में भारत से पूरे जम्मू कश्मीर में संचार सेवाओं पर लगे प्रतिबंधों को हटाने और इंटरनेट सेवाओं को बहाल करने की अपील की गई थी।